नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। राज्यों के साथ मिलकर देश की प्राथमिकताएं और भावी आर्थिक और सामाजिक विकास की रणनीति बनाने के उद्देश्य से नीति आयोग की बैठक चल रही है और नीति आयोग की इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में विकास का जो खाका खींचते हैं और विकास की जो रूपरेखा बनती है उस पर अपने विचार और सलाह बैठक में रख रहे हैं। दरअसल वो विषय शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सभी आधारभूत संरचनाओं को लेकर होता है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसका बहिष्कार किया है, उससे अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या विकास पर भी राजनीति जरूरी है और इस तरह से बैठक का बहिष्कार करना जनता के बीच क्या संदेश लेकर जाएगा। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसमें विकसित भारत 2047 में एमएसएमई पर जोर और बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला अधिकारिता, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, क्षेत्र विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। भारत एट 2047 यानी भारत 2047 में एक एक विजन लेकर यहां पर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2047 में, यानी भारत के आजादी के 100 साल आज से 25 साल बाद, तो भारत की आजादी के 100 साल में भारत के क्या परिकल्पना हो सकती है, भारत 2047 में अपनी आजादी के 100वें साल में किस मकाम पर हो, उस मकाम को हासिल करने के लिए किन विषयों पर काम करना होगा, क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है, इसके संबंध में यहां बैठक की जा रही है और इस बैठक को लेकर लगातार डिटेल्स अब तक हम पहुंचा रहे हैं। विकास के रोडमैप पर पीएम के साथ इसमें मंथन होता है और ये पारंपरिक रूप से होने वाली बैठक, क्योंकि नीति आयोग का जो बेस तैयार किया गया था उसी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जो ध्येय था नीति आयोग की बैठक का उसे ही पूरा करने के लिए यह बैठक रखी गई है। और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां रतनपुर कोटा मार्ग का पुल टूट गया। दरअसल मरवाही से संपर्क कट गया है, यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। चांपी नाले का टूटा हुआ पुल हाल ही में यह बना था, रतनपुर कोटा का पुल, दरअसल यातायात अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पुल के टूट जाने की वजह से मरवाही से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है और रतनपुर पुल की अगर बात करें तो ये पुल अभी कुछ ही दिन पहले शुरू किया गया था और कुछ ही दिनों में इसका ये हाल हो गया, धराशायी हो गया ये पुल। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल, पुल बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं था लेकिन टूट गया, क्या इसके बारे में बताया जा रहा, आखिर क्या कारण रहे? देखिए आशीष, इस तरह के जब मामले प्रकाश में आते हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य पर सवाल उठता है और इस तरह की अगर जो व्यस्त मार्ग है और उसका पुल टूटा है तो जरूर ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं निर्माण में चूक हुई है और उसमें गुणवत्ताहीन जो काम है वो किया गया है। फिलहाल ये तमाम जांच का विषय है, लेकिन मरवाही और कोटा जो मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हुआ है। चांपी नाला में ये पुल बनाया गया है, अभी हाल ही में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। 8 करोड़ रुपए की लागत अलग अलग 8 पुल के लिए स्वीकृत हुई है, कुछ पुल का निर्माण अभी भी चल रहा है। ग्रामीण कुछ दिन पहले शिकायत भी जिला प्रशासन से किए थे कि पुल निर्माण में जो छड़ का उपयोग किया जा रहा है वो 10 mm का छड़ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऐसे पुल जब निर्माण होते हैं तो 40 mm से कम का जो छड़ है वो नहीं लगता है। तो कई तरह के सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से मार्ग बाधित हुआ है और चांपी नाला पर ये बना पुल है उसके ढह जाने से, टूट जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित है, ये बात अलग है आशीष की जांच होगी, जांच के बाद कुछ लिपापोती भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी ये जो अव्यवस्था है उजागर हुई है और पूरी तरह से जो मार्ग है वो जो मरवाही से जो संपर्क है फिलहाल कटा हुआ है। देखना होगा कि किस तरह से प्रशासन है, जो PWD विभाग है या फिर अन्य जो विभाग है, किस तरह से अन्य जो पुल का त्वरित आने जाने के लिए किस तरह के रपटा या पुल का निर्माण कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टा तो यही लग रहा है कि भ्रष्टाचार का कहीं ये भेद तो नहीं चढ़ गया। फिलहाल जांच का विषय है,
जांच के बाद क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन अभी आवागमन बाधित है। आशीष जी, युगल जितनी इस मामले में लीपापोती हो रही है, इतनी अगर इस पुल की लीपापोती कर देते तो शायद ये पुल कुछ और दिन चलता। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। सागर से बड़ी खबर, खाई में ऑटो गिरने का मामला, दो महिलाओं के इस हादसे में मौत हो गई, सात की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल बीना सागर मार्ग पर यह हादसा हुआ, ऑटो में सवार महिलाओं में से दो की मौत हो गई। दरअसल ऑटो में करीब दो दर्जन लोग सवार थे, घायलों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। और ये ऑटो जिसमें काफी ज्यादा लोग थे और खाई में ऑटो पलटा और दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में आपको बता दें कि ऑटो खाई में पलट गया, जिसकी वजह से दो महिलाओं की जान चली गई। दरअसल सात लोगों की हालत यहां चोट लगने की वजह से गंभीर बनी हुई है। बीना सागर मार्ग पर यह हादसा हुआ था और ऑटो में करीब दो दर्जन लोग सवार थे और इसमें से दो महिलाओं की मौत हो गई है। और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हादसे के बाद की, वो तस्वीरें जो सागर से सामने आई। ऑटो जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, सड़क से सड़क के किनारे गहरी खाई में ऑटो पलट गया और दो महिलाओं की मौत हो गई इस हादसे में। करीब करीब दो दर्जन लोग इसमें सवार थे और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो जो ऑटो पलटा हुआ है उस ऑटो में करीब करीब दो दर्जन लोग सवार थे। और इनकी हादसे के बाद की स्थिति क्या है, इस पर भी डिटेल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सात लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, दो की मौत हो चुकी है और बाकी को भी हल्की फुल्की चोट आई है। ऑटो खाई में पलट जाने की वजह से यह हादसा हुआ और इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई, सात लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। बीना सागर मार्ग पर यह हादसा हुआ है और ऑटो में करीब दो दर्जन लोग सवार थे। बीना सागर मार्ग पर हुए इस हादसे में दो महिलाओं की जान चली गई, जबकि सात लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और दो दर्जन के करीब लोग ऑटो में सवार थे। तो काफी संख्या में लोग ऑटो में सवार थे, ओवरलोड तो था ही ये, लेकिन तात्कालिक कारण क्या रहे ओवरलोड होने के अलावा, उस वक्त क्या कारण रहा जो ये ऑटो पलट गया, गहरी खाई में गिर गया और दो महिलाओं की जान चली गई। हालांकि दो दर्जन लोगों का ऑटो में सवार होना सवाल खड़े करता है। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के भाई की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। BJYM नेता के भाई की गुंडागर्दी सामने आई, घंटाघर चौक पर मारपीट के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई। पहले भी चाकूबाजी के मामले में ये जेल जा चुका है, सिविल लाइन थाना पुलिस की कार्रवाई। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के भाई की गुंडागर्दी का ये मामला। और BJYM नेता का भाई पहले भी इस तरह के मामलों में जेल जा चुका है, पहले भी चाकूबाजी के एक मामले में गिरफ्तार किया था पुलिस से। सिविल लाइन थाना पुलिस का ये पूरा मामला जहां कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। और तस्वीरें जो उस विवाद के दौरान के सामने आई, कोरबा से हम आपको दिखा रहे हैं BJYM के नेता के भाई की गुंडागर्दी। और बढ़ते आगे, कोरबा से एक बड़ी खबर आई जहां बेकाबू पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, 12 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए, 5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल में इनका इलाज जारी है। करतला इलाके के हाटी के पास की ये घटना, जहां बेकाबू पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, 12 से अधिक यात्री इसमें घायल हो गए। और हादसे की बात करें तो कोरबा से इस हादसे में बेकाबू पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की जानकारी मिल रही है, जिसमें 12 से अधिक यात्री घायल हो गए थे, 5 यात्रियों की हालत यहां गंभीर बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल में इलाज उनका जारी है। और करतला इलाके के हाटी के पास की एक दुर्घटना है, दरअसल बेकाबू पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 12 लोग करीब घायल हुए हैं। और हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। 12 से अधिक यात्रियों को चोट आई है हादसे के दौरान, 5 यात्रियों की हालत इसमें गंभीर बनी हुई है और मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल में भर्ती कराकर इनका इलाज करवाया जा रहा है। और राज्यों के साथ मिलकर देश की प्राथमिकताएं
और भावी आर्थिक और सामाजिक विकास की रणनीति बनाने के उद्देश्य से नीति आयोग की बैठक जारी है। नीति आयोग की इस बैठक में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के विकास का खाका खींचते हैं और विकास की जो रूपरेखा बनती है उसी पर अपने विचार सलाह बैठक में रखते हैं। वो विषय शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सभी आधारभूत संरचनाओं को लेकर होती है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसका बहिष्कार भी किया हुआ है और उससे अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या विकास पर राजनीति की आवश्यकता है और इस तरह से बैठक का बहिष्कार करना जनता के बीच क्या संदेश लेकर जाएगा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसमें विकसित भारत 2047 में एमएसएमई पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला अधिकारिता, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, क्षेत्र विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण जो भी कदम है वो उठाए जा रहे हैं और विकास के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। भारत एट 2047 यानी जब भारत आजाद हुआ था उसके ठीक 100 साल बाद क्या भारत हो, कैसा भारत हो और उसकी हम क्या परिकल्पना करते हैं, उसके लिए आवश्यक कदम कैसे उठाए जाने, क्या महत्वपूर्ण विषय हैं, वो सभी यहाँ चर्चा में आते हैं और कुछ लोग इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं। और ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राजनीति और क्षेत्र के विकास के बीच आप क्या चुनना चाहते हैं। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, युवा मोर्चा एससी एसटी मोर्चा की बैठक शुरू हो चुकी है। युवा मोर्चा एससी एसटी पदाधिकारी की बैठक, बीजेपी जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर यह कार्यक्रम होगा और बैठक में एसटी एससी से आने वाले विधायक शामिल हो रहे हैं और युवा मोर्चा एससी एसटी मोर्चा की बैठक शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें भोपाल से ये पूरा जानकारी हम आपको बता रहे हैं, युवा मोर्चा एससी एसटी मोर्चा की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक के माध्यम से सभी को साधने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी एससी एसटी वर्ग को जोड़ने की कोशिश में और उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनकी पार्टी के, उन्हें क्या दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जाते हैं देखना होगा। फिलहाल मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने को लेकर यह कार्यक्रम बुलाया गया है। और दुर्ग से बड़ी खबर, कंपनी से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 45 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। 120 महंगे मोबाइल और लैपटॉप यहां पर ऑर्डर किए हुए थे। दरअसल अकाउंट के जरिए फर्जी ढंग से ऑर्डर किए गए थे। डिलीवरी बॉय बनकर ये धोखाधड़ी कर रहे थे, फेक ऑर्डर करते थे और फेक डिलीवरी करते थे। मामले में जल्द गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दो तस्वीरें से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। धोखाधड़ी करने वाले आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये फेक ऑर्डर्स 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके इन्होंने किया है। 120 महंगे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स ये ऑर्डर करते थे, डिलीवरी बॉय बनकर ये धोखाधड़ी कर रहे थे। और इस धोखाधड़ी में जो बरामदगी हुई है, पुलिस उसके बारे में भी डिटेल दे रही है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कोरिया से बड़ी खबर आ रही है जहां जंगल में आग लगने का मामला सामने आया। सुरमी गांव के जंगल में आग लगी हुई है और भीषण आग की चपेट में कई हजार पेड़ आ गए हैं। दरअसल नीलगिरी के पेड़ जल रहे हैं धू धू कर। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है और बैकुंठपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला जहां आग लगने की वजह से भीषण धुआं उठ रहा है और जो नीलगिरी के पेड़ हैं उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। बैकुंठपुर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला जहां कार्रवाई की जा रही है, आग बुझाने की कोशिश है।
और कोरबा से बड़ी खबर, एक शख्स की लात घूसों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शादी समारोह में शामिल होने के लिए यह शख्स आया हुआ था। दरअसल जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। सोनपुरी गांव की यह घटना बताई जा रही है। बालको नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। दरअसल शादी समारोह में शामिल होने के लिए यह शख्स आया हुआ था और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। सोनपुरी गांव की घटना, बालको नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोरबा से बड़ी खबर, शख्स की लात घूसों से पीट पीट कर हत्या का मामला। शादी समारोह में शामिल होने के लिए यह शख्स आया हुआ था। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। सोनपुरी गांव की घटना है। दरअसल बालको नगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोरबा से बड़ी खबर। और खबर बुरहानपुर से, जहां बुरहानपुर के पुष्पक बस स्टैंड के पास नगर निगम ने कार्रवाई की। दरअसल निगम ने पेट्रोल पंप की जगह अवैध रूप से बनाए गए दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। कार्रवाई के दौरान माहौल कुछ गर्मा गया। बताया जा रहा है कि निगम ने अवैध दुकान निर्माण करवाने पर दो बार नोटिस भेजा था, लेकिन जब दुकान नहीं हटाई गई तो निगम ने बुलडोजर चला दिया और अब कार्रवाई की। दरअसल यहां पेट्रोल पंप प्रस्तावित है जिस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और ये दुकान चलाई जा रही थी अवैध रूप से निर्माण कर। यहां पर बुरहानपुर से पूरा मामला सामने आया। पेट्रोल पंप की जगह पर अवैध दुकान का निर्माण किया गया था और उस दुकान को बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया है। अगर आप भी मैट्रिमोनियल साइट पर लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं, तो जरा होशियार हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप परफेक्ट पार्टनर के चक्कर में ठगों के जाल में फंस जाएं। मैट्रिमोनियल साइट पर ढूंढे शिकार, सरहद पार सात फेरे वाले नटवरलाल, शादी का जाल गिफ्ट से करे गोलमाल। रायपुर टू दिल्ली नाइजीरियन नटवरलाल। मैट्रिमोनियल साइट पर मनपसंद जीवन साथी की तलाश कहीं आपको कंगाल न कर दे, इस गिरोह की यही चाल है। जिस गिरोह के निशाने पर होती हैं महिलाएं, नाइजीरियन गैंग का ये हथकंडा है। रायपुर की पंडरी की रहने वाली पेशे से डॉक्टर एक महिला इन्हीं जज्बात के सौदागरों के जाल में फंस गई। कैसे ये आपको बताएंगे। रायपुर पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर दिल्ली में रेड डाली और फिर बंद कमरे में चल रहे कॉल सेंटर से गिरोह का पर्दाफाश हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड करने वाले एक नाइजीरियन गैंग को रायपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये गैंग मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल बना करके एक इंडियन नेम से अपने आप को स्कॉटलैंड में रहना हुआ बता करके रायपुर की एक विक्टिम से मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से कॉन्टैक्ट किया। उसके पश्चात व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उससे लगातार संपर्क में आया और अपनी बातों से लड़की को अट्रैक्ट किया। करोड़ों की ठगी करने वाले नाइजीरियन गैंग की एक कहानी है। ठगी कैसे हुई इसे सुनिए ही नहीं, ऐसे सात फेरे वाले नटवरलाल की चाल को समझिए भी। दरअसल लड़की की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पर विकास नाम के एक शख्स से हुई, जिसने खुद को स्कॉटलैंड का बताया, जिसने फरियादिया का नंबर लिया और उससे बातचीत कर भरोसा जीता। उसने फिर फरियादिया का दिल भी जीता और विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर गोलमाल किया। गिफ्ट छुड़वाने के एवज में पैसे मांगे और फिर बाद में पेनल्टी का डर भी दिखाया। पार्सल भेजने के नाम से कि गिफ्ट मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, ऐसा उसने प्रार्थिया को बताया और फिर कस्टम के नाम से एक फेक कॉल लड़की को आता है जो कुछ पेनल्टी जमा कराने के लिए, कुछ फीस जमा कराने के लिए
ऐसा करके अलग अलग करके 13.5 लाख रुपए की रकम फ्रॉडिस्टर ने विक्टिम से जमा कराई और जब विक्टिम को एहसास हुआ विक्टिम ने पुलिस में रिपोर्ट किया। ऐसा करते करते गैंग ने महिला से 13,55,000 रुपए की ठगी कर ली। फरियादिया समझ चुकी थी कि वो ठगी का शिकार हुई है, जिसके बाद पुलिस को खबर लगी। दरअसल वारदात का ये तरीका नाइजीरियन गैंग का होता है, जो ऐसे ही शिकार को फंसाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है नाइजीरियन गैंग का। पुलिस ने इस पे केस दर्ज करके पता साझी करके दिल्ली से इन 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 2 आरोपी नाइजीरिया के और 1 आरोपी बेनिन कंट्री का है। इन 3 को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बहुत सारी ATMs, मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। इनको पुलिस रिमांड में लेकर के और पूछताछ की जा रही है। इनके विरुद्ध 19 अपराध अलग अलग स्टेट्स में दर्ज है। आरोपी इमैनुअल और पोलिनस नाइजीरिया के रहने वाले हैं और तीसरा आरोपी एक्सटीन बेनिन देश का है, जो दिल्ली में रहकर लड़कियों को ऐसे चूना लगा रहे थे। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए।